अस्सलाम वालेकुम, मैं मसल फातिमा। खास आप लोगों के लिए देखिए धाबा स्टाइल मैंने दाल लेकर आया है। दाल तड़का बहुत ही बेहतरीन बना है और मज़े में भी बहुत बेहतरीन बना है। आप लोग इसे ज़रूर बनाना और अपनी फैमिली को खिलाना। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नई सी नई नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। चलिए इसका बनाने का ईजी और आसान तरीका बताते हैं। दाल तड़का ये देख सकते हैं आप, एक कप मैं ले रही हूँ तुवर की दाल। ये देख सकते हैं इसे अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया है। और अब मैं देखिए पहले दाल गलने के लिए रख दूंगी। दाल मैं कुकर में डाल रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी एक गिलास भर के पानी। पूरे इसमें दो गिलास पानी जाने वाला है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ चम्मच हल्दी और मैं इसे 3 से 4 सीटी होने के लिए रख दूंगी। और दाल में कभी भी मैं थोड़ा तेल ऐड करती हूँ, 1 चाय के चम्मच उतना मैं तेल ऐड कर दिया है। इससे दाल बहुत जल्दी गल जाएंगी। चलिए मैं इसे 3 से 4 सीटी होने के लिए रख दूंगी। इसमें एक छोटी मीडियम डली प्याज है, एक टमाटर है, ये देखिए 1 चम्मच जीरा है, ये मैं 2.5 चम्मच ले रही हूँ क्योंकि मैं एक तड़का घी में देने वाली हूँ, एक तड़का तेल में देने वाली हूँ। तो जब मैं घी का तड़का लगाऊंगी तो 1/2 चम्मच जीरा इस्तेमाल करूंगी और तेल के तड़के में देखिए मैं 1 चम्मच जीरा इस्तेमाल करूंगी। और ये देखिए मैं अदरक को थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, लहसुन को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और ये देखिए 4 लाल मिर्चें हैं। लाल मिर्च मैं पहले तेल वाले तड़के में 2 डालूंगी और ये देख सकते हैं ये घी वाले तड़के में 2 लाल मिर्च डालूंगी। 1 कप हरा धनिया है और नमक स्वाद अनुसार लीजिए। 1 चम्मच लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च। चलिए इसका बनाने का तरीका बताते हैं। तड़का लगाते हैं, मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये लहसुन, अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और साथ में ये 2 लाल मिर्च। गैस का फ्लेम धीमा रखा हूँ मैंने। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये देख सकते हैं प्याज। ये देख सकते हैं प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो गई है। देख सकते हैं इस टाइम में अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर और ये जो मसाले हैं लाल मिर्च और नमक। नमक देख कर ऐड करिए, खारा नहीं होना है, ये बात का ख्याल रखें। धीमी आंच पर ही पका रही हूँ मैं टमाटर को, थोड़ा लाइट पकने तक, अच्छे ज़रा गल जाने तक मैं इसे धीमे पे 2 मिनट के लिए रख दूंगी इसी तरीके से कवर करके। ये देख सकते हैं आप दाल कितनी अच्छे से गल गई है। देखिए बस इसी तरीके की दाल है ना है ये देख सकते हैं आप। ज़्यादा मस्का टाइप नहीं करना है। अगर आपके पास भीगी हुई दाल है तो इसे कम सीटी दीजिए, ज़्यादा सीटी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं धोते की दाल को गला दिया है इसीलिए मैंने 4 सीटी दिया है धीमे पे। टमाटर देख सकते हैं कितने अच्छे से नरम हो गए हैं। देखिए अब इस समय मैं डालने वाली हूँ जो दाल है, हम जो गला के रखे थे वो दाल डालते जाऊँगी मैं इसमें। तड़के वाली दाल भी बहुत बेहतरीन होती है, आप लोग इसे बनाइए जरूर खाइए। अब इसमें मैं 1 से 2 उबाल आने तक रखूंगी और साथ में मैं डाल दूंगी हरा धनिया। थोड़ा पानी ऐड किया है मैंने, शाही का 1/2 कप छोटा। और इस समय हम नमक देखना है, अगर नमक कम है तो हम ऐड कर सकते हैं। नमक थोड़ा कम है, 1/2 चम्मच में नमक ऐड करूंगी इसमें। कभी भी नमक बहुत देख के देखिए ऐड करना है। ज्यादा नमक अगर ऐड होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, कम होगा तो फिर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसे 1 से 2 बार आने तक मैं रख दूंगी दाल को। देख सकते हैं आप दाल में उबाल आ गया है। देखिए दाल अच्छे से पक गई है। अब मैं इसे एक साइड में रखती हूँ और बघार की तैयारी करती हूँ। ये देख सकते हैं मैं इसे गैस का ऑफ कर दिया है फ्लेम। ये देख सकते हैं अब मैं इसमें तड़का देने के लिए
दो चम्मच असली घी ले रही हूँ। गैस का फ्लेम धीमा रखना है। घी अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें जीरा डाल रही हूँ आधा चम्मच, और साथ में मैं डाल दूंगी दो लाल मिर्च। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल दी है, ये जो कश्मीरी लाल मिर्च जो आधा चम्मच लिया है, ये डालते समय मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। कभी भी गैस का फ्लेम ऑन रखकर ये मिर्च मत डालिए, क्योंकि सारी मिर्च जल जाएंगी और दाल का जो तड़का रेडी हो रहा है वो तड़का ख़राब हो जाएगा, ये बात का ख्याल रखिए। मैं इसमें कुछ करी पत्ते डाल रही हूँ, ये आप ऑप्शनल है। रेडी हो रहा है, ये देखते थे मैंने जो गैस का फ्लेम है वो ऑफ कर दिया। अब मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसे बहुत अच्छे से मिलाना है, ये देख सकते हैं। चलिए तड़का रेडी है, अब मैं इसे दाल पर ऐड कर दूंगी, ये देख सकते हैं आप। ये रही ढाबे वाली दाल रेडी, इतनी अच्छी और बेहतरीन बनी है और मज़े में भी बहुत बेहतरीन बनी है। ये देख सकते हैं आप, ढाबे वाली दाल रेडी है, बहुत ही बेहतरीन बनी है, ढाबा स्टाइल बनाया है मैंने। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, और हाँ बताना ज़रूर मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नई से नई अच्छी से अच्छी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।